आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है ना, तो सबसे पहले मोबाइल फोन में आपका ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब देखिए, इस वाले पेज में आप नीचे आएंगे ना, तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहां पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल का जो माइक्रोफोन है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता है क्या, माइक्रोफोन में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण वो ठीक से काम नहीं करता है। तो ध्यान रखना, माइक्रोफोन को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो माइक्रोफोन के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो डैमेज हो सकते हैं और माइक्रोफोन बिल्कुल खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की Gmail ID और Gmail ID का पासवर्ड आपको पहले नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना, तो आपको करना क्या है, देखिए, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर में आपको जाना है और वहां पर आपको अपना फोन दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए, हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं, मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं, ठीक है।